हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है वो अगेन एक टॉपिक प्लस एमसीक्यू सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर हम एम्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सोल्व करेंगे। साथ ही साथ में इस टॉपिक से जो एमसीक्यू बना हुआ है उस टॉपिक को भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत सोल्व करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में उस टॉपिक में से और क्या एमसीक्यू बन सकता है एम्स में, वो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कंप्लीट अपन थ्योरी की क्लास नहीं है, केवल टॉपिक डिस्कशन है। टॉपिक डिस्कशन में और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है एम्स में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारे RNCC के ऑफिशियल ऐप पे, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आपको जो लोगो दिख रहा है इसके साथ में, वहाँ पर हम अभी नॉर्सेट के लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है 150+। वहाँ पर आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे करने के लिए, सोल्व करने के लिए। उसमें से हमने एक टेस्ट मंडे टू फ्राइडे, एक टेस्ट मॉर्निंग में लाइव और एक टेस्ट इवनिंग में हमने लाइव रखा है। इसके अलावा 50 टेस्ट जो हैं हमने प्री नॉर्सेट टेस्ट बनाए हैं, जिसके अंदर आपको 200 MCQs मिलेंगे, 1/3 आपको वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा पैटर्न वहाँ पे हमने एस्टैब्लिश किया है हमारे ऐप पे। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज वगैरह कंसिडर कर रहे हैं तो एक बार जरूर वहाँ पे आके कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस भी हमने उसके अंदर अफोर्डेबल रखी है, ठीक है, ताकि किसी स्टूडेंट को बाय करने में प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं आज की अपनी सेशन को। फर्स्ट MCQ है अपना, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज ए फीचर ऑफ, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग नीचे देखिए कौन से ऑप्शन के अंदर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलता है। इसोफेजियल एट्रेशिया में, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में, कोलेरा में, या फिर इंट्रोसेप्शन में, कौन सी कंडीशन में जो है वो पेशेंट में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है फोर्सफुल, ठीक है, फोर्सफुल वोमिटिंग देखने को किसमें मिलेगी, क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर। देखिए प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती किसमें है, तो देखिए ये होता है हमारा किसमें, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में, ठीक है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो अपना फर्स्ट हेडिंग क्या है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रोफिक का मतलब क्या होता है, देखिए ओवर ग्रोथ हो जाना। पाइलोरिक का मतलब क्या हो गया, पाइलोरस पार्ट, पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। स्टेनोसिस के अंदर क्या हो जाता है, स्टेनोसिस का मतलब क्या हो जाता है, नेरो हो जाना, ठीक है, नेरो हो जाना, या फिर जो उसकी साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ठीक है, नेरो या फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो इन तीनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इज द नैरोविंग ऑफ पाइलोरस ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। पाइलोरिक पार्ट के अंदर, हम स्टमक के अंदर तीन लेयर रहती है, तो उसके अंदर जो मसल लेयर होती है, सर्कुलर मसल लेयर होती है, उसके अंदर क्या होता है, हाइपरट्रोफिक होता है, ठीक है, हाइपरट्रोफी होती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पाइलोरिक पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, नेरो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, सो फूड कांट एंटर इनटू ड्यूडेनम। तो इससे ये क्या लीड करेगा कि फूड को जो है वो आगे ड्यूडेनम में एंटर नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से तो क्या होगा पेशेंट को, वोमिटिंग, वोमिटिंग भी कैसी, फोर्सफुल वोमिटिंग। तो ये क्या होता है हमारा, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब इसके अंदर क्या क्या हमें साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, देखिए छोटा सा टॉपिक है मगर एक दो MCQ एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। इसके बाद में क्या होता है, डिहाइड्रेशन। वोमिटिंग होगी तो क्या होगा पेशेंट को, डिहाइड्रेशन होगा, तो अब जब डिहाइड्रेशन होगा तो पेशेंट में क्या आ जाएंगे, डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम आएंगे। किसमें पेशेंट कौन है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो यहां पे क्या होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन,
शंकन फोंटानेल। डिहाइड्रेशन के सारे साइन सिम्टम यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ठीक है, पुअर स्किन वगैरह, ठीक है। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हाइपोटेंशन, और बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया। तो ये कुछ डिहाइड्रेशन के साइन है, और भी बहुत साइन देखने को मिलते हैं, बट डिहाइड्रेशन के साइन आप सभी को पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछा रहता है। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से एमसीक्यू बनता है, ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू यहां से बनेगा, सेकंड एमसीक्यू, थर्ड एमसीक्यू डिहाइड्रेशन से बन सकता है, बट एग्जामिनर मोस्ट कॉमन क्या बनाता है, इससे ओलिव शेप यहाँ पे क्या फील होता है, मास फील होता है, ठीक है, ओलिव शेप यहाँ पे मास फील होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, स्टमक ये क्या है इसका पार्लोरस पार्ट, और यहाँ पे क्या है, ओवरग्रोथ हो गई, तो जब आप इसको पालपेट करोगे, ये कहाँ पे है, एपिगेस्टिक रीजन में, ठीक है, एपिगेस्टियम में आप क्या करोगे, पालपेट, पालपेट टू एपिगेस्टियम, तो आपको क्या फील होगा, एक ओलिव शेप मास आपको यहाँ पे फील होगा, ठीक है। ओलिव शेप मास किसमें दिखता है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन में, एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या आपको देखने को मिलेगा, विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे क्या रहता है हमारा स्टमक, स्टमक से आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइक राइट टू लेफ्ट, इस तरह का आपको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट दिखता है नॉर्मल कंडीशन में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना ग्रोथ हो गई है, ग्रोथ की वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यहाँ से क्या होगा, वोमिटिंग होगी ना, तो यहीं से क्या आ जाएंगे, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होकर क्या करवाएगा, वोमिटिंग करवाएगा। तो लेफ्ट टू राइट आपको विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलेंगे ऐसे पेशेंट में जिनमें क्या होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में, बच्चे में वेट लॉस की वहां पे उसको कंडीशन अराइज हो जाएगी। तो ये कुछ हमारे बेसिक से साइन एंड सिम्टम है। और देखिए जब एक्सेसिव यहाँ पे वोमिटिंग होगी तो क्या होगा पेशेंट को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस, तो क्या होगा, एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यू टू एक्सेसिव वोमिटिंग यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पेशेंट में। तो ये भी ध्यान में रखना, एम्स में पूछा गया एमसीक्यू है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलता है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब देखिए इसका क्या है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस प्रकार करोगे, तो सर्जिकल मैनेजमेंट अपन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो इसका क्या नाम है, पाइलोरोमायोटोमी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरोमायोटोमी। तो इसका जो इन्होंने इस ऑपरेशन का एक ऑथेंटिक नाम भी दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, रैमस्टेड ऑपरेशन। तो एग्जाम में आपको रैमस्टेड ऑपरेशन के नाम से भी दिया जा सकता है, और पाइलोरोमायोटोमी तो सबको पता लग ही जाएगा कि भाई हाइपरट्रोफिक पाइलोरो स्टेनोसिस है, तो क्या कर देंगे, पाइलोरोमायोटोमी कर देंगे, ठीक है। मायो मतलब मसल्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो अब इसका ये तो यहाँ से तो मीनिंग सबको पता लग जाएगा, बट एग्जामिनर इससे एमसीक्यू बनाता है कि रैमस्टेड ऑपरेशन कौन सी कंडीशन के अंदर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब जब आपको क्या करना, तो देखिए आफ्टर सर्जरी जो है वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी क्या हो सकती है, तो मेंटेन एनपीओ स्टेटस फॉर फर्दर 48 to 72 आवर्स के लिए हमें क्या करना है, एनपीओ रखना होता है इस पेशेंट को। फॉर क्यों रखना है, जनरली अपन क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं तो अपन 6 आवर्स तक एनपीओ रखते हैं, बट जब एब्डोमेन कोई सर्जरी वगैरह होती है तो अपन इसमें क्या वेट करते हैं, किसके लिए, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वापस रिटर्न हुए कि नहीं है, ठीक है, अपन असेस करना है, असेस फॉर बोवल मूवमेंट। बोवल मूवमेंट आने के बाद में आपको क्या करना है, उसको फूड वगैरह देना होता है, ठीक है, डॉक्टर्स जब प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो, बट जनरली आपका करना बोवल मूवमेंट का पता लगाना है, तभी आप दे पाओगे, नहीं तो फिर आगे पेशेंट जो हो एस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, फर्स्ट टॉपिक कौन सा आज का, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस अपना टॉपिक नंबर फर्स्ट अपन कवर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, चाइल्ड फेल्ड टू पास मेकोनियम
विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक और एमसीक्यू आपको देखने को मिल गया है कि फर्स्ट मेकोनियम पास आउट कितने टाइम में हो जाना चाहिए। तो 24 to 48 आवर्स के अंदर जो है मेकोनियम पास आउट हो जाना चाहिए नॉर्मली। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड फेल टू पास, मेकोनियम पास नहीं कर पा रहा है 24 आवर्स आफ्टर बर्थ के बाद में भी। दिस में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन है अपने पास में, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है ये, या फिर सीलिएक डिजीज है, या फिर इनटू सेप्शन है, या फिर हिस्पंग डिजीज है। ठीक है, क्या यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्या है, हिस्पंग डिजीज यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। हिस्पंग डिजीज के साइन सिम्टम यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं पेशेंट में, तो हो सकता है ये हिस्पंग डिजीज है। आगे अपन कंफर्म कैसे करेंगे, उसका एमसीक्यू बनता है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना वो क्या रहेगा, हिस्पंग डिजीज। तो देखिए हिस्पंग डिजीज को हम और किस नाम से जानते हैं, कंजेनाइटल एगेंग्लियोनिस या फिर मेगाकोलोन। मेगाकोलोन क्यों कहते हैं ये भी अपन अभी देख लेंगे। तो देखिए हिस्पंग डिजीज के अंदर क्या होता है, कंजेनाइटल एगेंग्लियोनिस से क्या मतलब है कि कंजेनाइटली एब्सेंट ऑफ पैरासिंपेथेटिक नर्व पैरासिंपेथेटिक नर्व यहां पे कौन सी होगी, ठीक है, गैंग्लियोनिक नर्व। Into distal part of colon and rectum result in extreme dilation of colon, thus called मेगा कोलोन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये जो मेगा कोलोन है, मेगा मतलब लार्ज एंड कोलोन मतलब इंटेस्टाइन। ठीक है, बेसिकली इट इज द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, ये यहाँ पे असेंडिंग कोलोन, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन, और ये यहाँ पे क्या है अपना डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, अब डिसेंडिंग कोलोन में क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या बोला, क्या बताया गया है, डिस्टल पार्ट ऑफ द कोलोन एंड रेक्टम। तो ये अपना क्या हो गया, डिसेंडिंग कोलोन का ये प्रोक्सिमल पार्ट एंड ये कौन सा पार्ट है, डिस्टल पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कोलोन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी देखने को मिलेगी हमें, लार्ज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दूसरा ये कहाँ पे देखने को मिल सकता है अपने को, रेक्टम सिग्मोइड कोलोन में, रेक्टो सिग्मोइड रीजन के अंदर। तो ये क्या है अपने यहाँ पे लार्ज कोलोन। अब ये कोलोन लार्ज क्यों हुई यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि गैंग्लियोनिक नर्व यहाँ पे क्या रहता है, अब्सेंस रहता है। तो ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए मस्कुलर लेयर के अंदर क्या रहता है अपने यहाँ पे, गैंग्लियोनिक लेयर्स अपने यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, बट यहाँ पे क्या है कि गैंग्लियोनिक नर्व यहाँ पे अब्सेंट रहती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नॉर्मल नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होकर फूड आके जो फीकल मैटर आके कलेक्ट हो गया, कहाँ पे, यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया। अब आगे क्या है, यहाँ पे गैंग्लियोनिक नर्व ही नहीं है, तो मतलब आगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा नहीं। लाइक पैरासिंपेथेटिक नर्व क्या करवाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में हेल्प करवाता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के वर्क को स्टिमुलेट कौन करता है, पैरासिंपेथेटिक नर्व। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब जब यहाँ पे एगैंग्लियोनिक ये कौन सा पार्ट है, एगैंग्लियोनिक पार्ट है, मतलब यहाँ पे क्या है एगैंग्लियोनिक, मतलब गैंग्लियोनिक सेल्स यहाँ पे है नहीं। अब जब गैंग्लियोनिक सेल्स यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे फिकल मेटर आके कहाँ जमा हो जाएगा, सारा का सारा फिकल मेटर आकर यहाँ जमा हो जाएगा। तो अब जब आप इसका एक्सरे कराओगे, यूएसजी कराओगे, या फिर सिटी स्कैन वगैरह जो भी प्रोसीजर अभी अपन करेंगे, तब क्या देखने को मिलेगा कि
डिस्टल कोलोन में क्या देखने को मिलेगा, लार्ज कोलोन अपने को यहाँ पे सीन होगा ड्यू टू एग गैंग्लियोनिक पार्ट। ठीक है, अब एग गैंग्लियोनिक पार्ट मोस्ट कॉमन कहाँ पे होगा, ये एमसीक्यू पूछा गया है, मोस्ट कॉमन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो रेक्टोसिग्मोइड कोलोन में। ठीक है, मोस्ट कॉमन यहाँ से एमसीक्यू आएगा आपके, आएगा तो रेक्टोसिग्मोइड कोलोन में। फर्स्ट एमसीक्यू तो यही है, अब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक नर्व, तो हमने क्या कहा इसको, एग गैंग्लियोनिसिस। दूसरा मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है, तो रेक्टोसिग्मोइड कोलन में। ठीक है, दो एमसीक्यू अपने यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया यहाँ पे मेगा कोलन अपन क्यों कहेंगे। ठीक है, रेक्टोसिग्मोइड कोलन में यहाँ पे एग गैंग्लियोनिक नर्व की वजह से मेगा कोलोन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। अभी हम क्या डिस्कस करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो देखिए यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टूल से आपको एमसीक्यू पूछता है यहाँ पे स्टूल के अपीयरेंस से कि कैसा स्टूल अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो रिबन लाइक स्टूल जो है वो विजिबल होता है। ये बहुत बाहर एमसीक्यू पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि रिबन लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है, अपने को हिस्पंग डिजीज के अंदर या फिर मेगाकोलोन में। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैलेट स्पून स्टूल। ठीक है, दोनों में से आपको कोई भी नाम अगर देखने को मिले तो आपको करेक्ट करना है। दूसरा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चे को, कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होता है, तो एग्जामिनर एक बार एमसीक्यू पूछा हुआ है एग्जामिनर का, अगर हिस्पंग डिजीज वाला पेशेंट है आपको ये नहीं बताता है वो। ठीक है, अगर आपको बताता है कि एक पेशेंट है जिसके अंदर यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन कंटिन्यू रह रही है, वहाँ पे गैंग्लियोनिक फाइबर वगैरह प्रेजेंट नहीं है और उसे क्या हो रहा है वहाँ पे डायरिया हो गया। ठीक है, उसे क्या हो गया वहाँ पे, डायरिया हो गया, तो हम क्या कहेंगे, क्या ये नॉर्मल कंडीशन है, क्या स्पंग में डायरिया होता है? जी नहीं, स्पंग डिजीज में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर उसको डायरिया हुआ है तो हमें क्या प्रायोरिटी करनी है, इंस्ट्रक्ट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हो सकता है उसको वहाँ पे कुछ और इन्फेक्शन वगैरह कंडीशन अराइज हो गई है, जबकि हिस्पंग डिजीज में डायरिया होना नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है। तो ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है हिस्पंग डिजीज में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है ना कि डायरिया। अब देखिए हिस्पंग डिजीज वाले बच्चे को अगर वॉमिटिंग होगी तो किस प्रकार की होगी। ठीक है, वॉमिटिंग होगी अगर न्यू बॉर्न को तो किस प्रकार होगी, तो वॉमिटिंग के अंदर भी सम टाइम फीकल स्टेनिंग यहाँ पे क्या देखने को मिल सकती है, वॉमिटिंग, फीकल स्टेनिंग वॉमिटिंग देखने को मिलती है अर्ली न्यू बॉर्न में। ठीक है, फीकल स्टेनिंग वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है यहाँ पे अर्ली न्यू बॉर्न में। ठीक है, अब जब वॉमिटिंग खाएगा, अब जो पूरा वहां पे माल एब्जॉर्प्शन वगैरह ये सिम्टम्स वगैरह आएंगे उसमें, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा बच्चे में, फेलियर टू थ्राइव। ठीक है, फेलियर टू थ्राइव भी यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फेलियर टू पास मेकोनियम। ठीक है, डिलीवरी के जो है वो 48 आवर्स तक जो है बच्चे में मेकोनियम पास आउट नहीं देखने को मिलेगा न्यू बॉर्न में। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन में है बता रहा हूं मैं, न्यू बॉर्न में, और ये कॉन्स्टिपेशन रिबन लाइक स्टूल ये किसमें आएगा, चाइल्ड्स में। ठीक है, न्यू बॉर्न के बाद में अगर ये कंडीशन आगे अराइज होती है, ठीक है, और न्यू बॉर्न में भी ये चीज देखने को मिल सकती है रिबन लाइक स्टूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसका डायग्नोसिस, डायग्नोसिस से क्या एमसीक्यू बनेगा, एक ही एमसीक्यू बनता है यहाँ पे, मोस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। मोस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस में क्या आएगा, रेक्टल बायोप्सी। बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है स्पंग डिजीज का, मोस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या आएगा, रेक्टल बायोप्सी। जब आप रेक्टल बायोप्सी करोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, एब्सेंट ऑफ गैंग्लियोनिक सेल। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये कुछ एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आपको और क्या एमसीक्यू देखने को मिल सकता है इसके अंदर, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो एग गैंग्लियोनिक नर्व पार्ट है तो उसको तो आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए आप क्या करोगे, एक यहाँ पे मेथड यूज में लिया जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेजेंस ऑपरेशन। ठीक है, स्वेजेंस ऑपरेशन। अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, दो मेथड से अपन ये ऑपरेशन कर सकते हैं।
इसका फर्स्ट मेथड कौन सा होता है? डबल स्टेप प्रोसीजर। नेक्स्ट कौन सा होता है? सिंगल स्टेप प्रोसीजर। अब देखिए डबल स्टेप और सिंगल स्टेप में अपने को एक ही डिफरेंस मिलेगा। डबल स्टेप में क्या परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले इलियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं, उसके बाद में रिसेक्ट कर देते हैं, कौन से, रिसेक्शन ऑफ ए गैंग्लियोनिक पार्ट, उसके बाद में क्या कर दोगे इसको, एनास्टोमोसिस कर देंगे, एक दूसरे से वापस अटैच कर देंगे। तो ठीक है, सबसे पहले करेंगे इलियोस्टोमी, उसके बाद में ये परफॉर्म करते हैं, तो ये कौन सा हो गया, डबल स्टेप प्रोसीजर। और यहां पे अपन डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, रिसेक्शन प्लस एनास्टोमोसिस, इसमें अपन इलियोस्टोमी परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये एग्जाम में इतना बार नहीं पूछा गया है, मैंने तो अब तक नहीं देखा है एमसीक्यू बना हुआ। यहां से जरूर एमसीक्यू बनता है कि कौन सा ऑपरेशन को काम में लिया गया है, बट इसके स्टेप्स वगैरह को नहीं बताया गया अभी तक, तो फॉर नॉलेज आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये हो गया अपना सेकंड टॉपिक, कौन सा, हिस्पंग डिजीज, पाइलोरी हो गया अपना, और हिस्पंग डिजीज वाला टॉपिक भी अपने कवर कर लिया है। दो टॉपिक अपने हो गए आज की क्लास से। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द एंटीडोट यूज इन आयरन टॉक्सिसिटी। आयरन टॉक्सिसिटी के अंदर क्या एंटीडोट हम यूज में करते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन, डिफेरोक्सामाइन, एट्रोपिन या फिर चारकोल। आयरन टॉक्सिसिटी के अंदर हम किसे यूज में करते हैं एंटीडोट के हिसाब से, तो यहां से भी अपन तीन चार एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, आयरन टॉक्सिसिटी का आपसे पूछा गया है, तो देखिए आयरन टॉक्सिसिटी के अंदर अपन क्या यूज करते हैं, डिफेरोक्सामाइन। ठीक है, डिफेरोक्सामाइन को अपन आयरन टॉक्सिसिटी में यूज करते हैं, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं अपन यहां पे आयरन या फिर एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, आयरन या फिर एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी में अपन किसको यूज करते हैं, डिफेरोक्सामाइन को। ध्यान में रखना एमसीक्यू, जैसे ये एमसीक्यू पूछा गया तो आपको एल्यूमिनियम से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, एन एसिटाइल सिस्टीन, तो इसके किसके लिए करते हैं, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल पॉइजनिंग अगर हो जाए किसी में, ओवरडोज हो जाए, तो किसका यूज करते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन। अब अगर देखिए एन एसिटाइल सिस्टीन अगर ऑप्शन नहीं दिया गया हो एग्जाम में आपको, तो आप सेकंड एंटीडोट क्या बता सकते हो, मेथियोनिन। तो ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा एडवांस एमसीक्यू बन जाता है अगर एग्जामिनर आपसे एन एसिटाइल सिस्टीन नहीं पूछता है, मेथियोनिन आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको मेथियोनिन को आपको करेक्ट करके आना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन किसका एंटीडोट हो सकता है, तो कोलिनर्जिक एजेंट्स का, कोलिनर्जिक एजेंट्स का कौन है, एट्रोपिन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है चारकोल, तो चारकोल अपन किस में यूज में लेते हैं, चारकोल का एंटीडोट कौन हो सकता है, आईपेक इंड्यूस्ड इमेसिस। इमेसिस का मतलब क्या होता है, वोमिटिंग। तो देखिए जब कभी कोई चारकोल पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसको आप क्या करो, आईपैक सिरप से उसको अपन क्या करवा सकते हैं, वोमिटिंग करवा सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो हम यहाँ पे एंटीडोट के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी हेपेरिन वगैरह का, ओपियोड्स वगैरह का, ये सब आपको पता होना चाहिए एग्जाम में, मोस्ट बार बार ये एग्जाम में वापस क्वेश्चन पुट ऑन होते रहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर दैट मे कॉज स्टेरिलिटी इन फीमेल्स। ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, स्टेरिलिटी। तो क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर, एनिलीन, लेड, रेडन या फिर निकल। ठीक है, ऐसा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मतलब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है ऐसी जिसके अंदर फीमेल को स्टेरिलिटी हो सकती है, लाइक फीमेल ऐसे कौन से ऑक्यूपेशन के अंदर काम करेगी तो उसके अंदर स्टेरिलिटी हो सकती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रेडॉन। ठीक है, अगर रेडॉन ऑक्यूपेशन के अंदर कोई फीमेल है वो काम करती है, तो इसमें क्या हो सकता है, उसको स्टेरिलिटी हो सकती है। तो आप रेडॉन से यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, रेडिएशन। ठीक है, रेडॉन से आप क्या समझ सकते हैं, रेडिएशन में अगर कोई फीमेल काम करेगी
तो वहां पे उसको क्या हो सकता है, स्टेरिलिटी कोज हो सकती है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, एनिलीन। यहाँ से अगर इस ऑक्यूपेशन में कोई पर्सन काम करेगा तो उसको क्या होने का खतरा रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन काम करता है उसको क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया या फिर ब्लैडर कैंसर। नेक्स्ट है लेड। तो देखिए लेड तो आप सभी को पता ही है, लेड पॉइजनिंग होती है। तो क्या होता है, मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट फेमस एमसीक्यू है ये भी एक प्रकार का, प्लम्बिज्म। ध्यान में रखना, प्लम्बिज्म किसकी वजह से होता है, लेड एक्सपोजर की वजह से, ठीक है। लेड एक्सपोजर की वजह से, एक्सपोजर लगा लेना सबके आगे अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, निकल। निकल से क्या हो सकता है, नेजल साइनस कैंसर। दूसरा यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, लंग कैंसर, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, हैंड वॉशिंग टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। हैंड वॉशिंग से क्या प्रिवेंट होता है, देखिए एमसीक्यू से एमसीक्यू बन गया, ऐसे आपको पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। आपको आप पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या एमसीक्यू, ऐसे नहीं कि अपन एमसीक्यू सोल्व करते जा रहे हैं। आपको एक ही एमसीक्यू सोल्व करने से आपने, अगर आपके तीन एमसीक्यू सोल्व हो रहे हैं तो आपके लिए वो अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा ब्रेन को थोड़ा खुल के एकदम पढ़ाई करना सीखो। हैंड वॉशिंग टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या फिर टर्शियरी प्रिवेंशन, क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर। हैंड वॉशिंग टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। हैंड वॉशिंग से अपन क्या कर रहे हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है प्रिवेंशन का, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अभी देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। काफ़ी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो टॉपिक क्या हो गया अपना, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा होता है, प्राइमोडियल। तो देखिए प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए रिस्क फैक्टर पे आपको नाम आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि रिस्क फैक्टर ही ये डेवलप ना हो, ठीक है। रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर दे, ऐसा प्रिवेंशन कौन सा है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। इसके अंदर एग्जाम्पल में अपन क्या देख सकते हैं, ये अपन इंडिविजुअल के लिए भी कर सकते हैं और मास कम्युनिटी के लिए भी अपन ये फॉलो करवा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो एग्जाम्पल भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, तो मतलब क्या हो गया, डिस्करेज the adoption of risky behavior, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। लाइक कोई पर्सन जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, उसको वहां पे उसे समझाएं कि उसको आप प्रिवेंट करें ताकि रिस्क फैक्टर किसका नहीं हो, एथेरोस्क्लेरोसिस का नहीं हो, हार्ट डिजीज लंग डिजीज का रिस्क फैक्टर यहाँ पे नहीं हो। अगर कोई पर्सन ड्रिंकिंग कर रहा है, एडप्शन होने से पहले ही उसको आप क्या कर दो, अवॉइड करवा दो सोसाइटी से या फिर उस पर्सन की लाइफ में से। तो ये क्या हो गया, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो इनसे क्या है, इनसे होने वाले रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई, आगे जाके ये क्या कोज, कार्सिनोजेंस में कोज करवा सकते हो, कार्सिनोजेंस ही डेवलप नहीं होंगे तो कैंसर नहीं होगा, मतलब रिस्क फैक्टर ही डेवलप नहीं होगा तो कैसे किस प्रकार से कैंसर होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट सेकेंड वन कौन सा है, प्राइमरी। अब देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है कि रिस्क फैक्टर तो यहां पे प्रेजेंट है, बट रिस्क फैक्टर से डिजीज होने में प्रिवेंट करता है,
मतलब रिस्क फैक्टर से डिजीज होने में ये क्या, ये वाला जो एलिमेंट है ये प्रिवेंट करता है कौन, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, अकरेंस ऑफ डिजीज, प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज, इसकी मदद से प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। अब प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखिए, दो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन ऐसा क्या करते हैं कि जिसकी वजह से डिजीज प्रिवेंट होती है, तो मतलब क्या, हेल्थ प्रोमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। कौन से प्रिवेंशन में काम में लेते हैं, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में। तो अब देखिए हेल्थ प्रमोशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी के अंदर या पर्सन को क्या कर दो, एजुकेट कर दो, एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन, और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा लाइफ स्टाइल में, वो कंटिन्यू प्रीवियसली क्या करते आ रहा है, स्मोकिंग करते आ रहा है, अब उसके रिस्क फैक्टर डेवलप हो गई कि भाई वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उसको लंग कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है। तो आप क्या कर दो, उसका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवा दो। रिस्क फैक्टर तो है क्योंकि उसने इतने टाइम तक स्मोकिंग वगैरह कर लिया है, बट अभी उसके डेवलप नहीं हुई है डिजीज, तो अपन क्या करवा सकते हैं, हेल्थ को प्रोमोट करवा सकते हैं, अच्छी हेल्थ उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोमोट ब्रेस्ट फीडिंग, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ को प्रमोशन कर सकते हैं, हेल्थ और अच्छी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे। तो इम्यूनाइजेशन की अगर आपको बात कर ली है, जैसे ऑप्शन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, हैंड वॉशिंग का, अगर यहीं पे आपसे पूछ लेते कि इम्यूनाइजेशन किस तरह का प्रिवेंशन है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन आता है। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन के बाद में कीमो प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है, कीमो प्रोफाइल एक्सिस, कोई डिजीज के होने से पहले अपन प्रोफाइलेक्टिकली उसको ट्रीट करें, तो वो क्या होता है, कीमो प्रोफाइल एक्सिस, आयरन फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स हो गए, विटामिन के सप्लीमेंट्स हो गए, तो ये कौन से प्रिवेंशन में आएंगे, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे, एमसीक्यू बन सकता है इनसे, ठीक है। तो इनके आपको देखो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ठीक है, हर लाइन से एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। इसके बाद में आपको क्या देख सकते हो, एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल करना, ठीक है, मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट कौन से लेवल के प्रिवेंशन में आता है, तो प्राइम प्री मॉड्यूल में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे मॉस्किटो क्या है, रिस्क फैक्टर है, बट डिजीज नहीं हुई, मलेरिया नहीं कर दिया मॉस्किटो ने, तो अपन क्या कर देंगे, तो ये सारे क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर हम इनको काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया, तो कॉन्ट्रासेप्शन, तो कॉन्ट्रासेप्शन कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, तो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, टाइप टू प्राइमरी प्रिवेंशन। अब नेक्स्ट टाइप कौन सा अपना, सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसके अंदर क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज तो यहाँ पे हो गई है, बट अब डिजीज के कॉम्प्लिकेशन से हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करते हैं डिजीज के। तो अब करेंगे क्या, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करवा के हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन को काम में लिया जा सकता है। तो देखिए अर्ली डायग्नोसिस की क्या क्या हम कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है, तो देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट, जितने भी प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, तो वो सारे किस में आएंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तो स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, पैप स्मियर, ठीक है, पैप स्मियर हो सकता है, सेल्फ ब्रेस्ट
असेसमेंट हो सकता है, ठीक है, मेमोग्राफी, तो ये सारे जो अपने को स्क्रीनिंग टेस्ट है जितने भी, किसमें आएंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। अब अपन कर देंगे इनका क्या ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट कर देंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट किया हमने टीबी के लिए, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर देंगे, आप डॉट्स थेरेपी चला देंगे ताकि आगे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके, ठीक है, और बाकी मल्टी ड्रग थेरेपी आप चला दोगे लेप्रोसी के लिए, डॉट्स चला दोगे आप टीबी के लिए, मतलब इनकी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर दिया, इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जल्दी से जल्दी। तो ये सारा क्या हो गया, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किसके अंदर आया, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। लास्ट अपना प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, टर्सरी प्रिवेंशन। तो देखिए टर्सरी लेवल में क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ अकरेंस ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कॉम्प्लिकेशन तो उसको हो गई है बट उस कॉम्प्लिकेशन से पर्सन को डिसेबल्ड होने से बचाना है। डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है, वो अपने खुद के ही काम नहीं कर पाएगा, उसे हम क्या कह देंगे, डिसेबल्ड। लाइक वो जो डेली एक्टिविटीज करता था पहले पर्सन, अब वो नहीं कर पा रहा है तो वो क्या हो गया, डिसेबल्ड, ठीक है। तो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना और फैटलिटी को, ठीक है, फैटलिटी या फिर मोर्टालिटी, इनको प्रिवेंट करना किसमें आएगा, टर्सरी लेवल ऑफ केयर के अंदर। तो देखिए यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले करोगे क्या, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, डिसेबिलिटी को लिमिट करने का काम करोगे। दूसरा आप यहां पे क्या करोगे, रिहैबिलिटेशन। अगर डिसेबिलिटी लिमिट नहीं हुई है तो आप क्या करोगे, रिहैबिलिटेशन, जो बचे कुचे उसके जो बॉडी पार्ट्स है या फिर जिस दो अच्छे काम करते हैं वो उनको और अच्छा बना दोगे, ताकि आपको जो डिसेबल्ड पार्ट है वो नेग्लेक्ट कर सके अपने आप को, कि भाई हाँ इसका नहीं तो मैं मेरे इस काम को इस तरीके से कर पाऊंगा, ठीक है, वो क्या होता है, रिहैबिलिटेशन। तो इन ये सब चीज़ें आप किस में परफॉर्म करोगे, टर्सरी लेवल ऑफ केयर में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अपन डिसेबिलिटी लिमिटेशन से क्या समझ सकते हैं, कि फ्रैक्चर हो गया, अब फ्रैक्चर होने के बाद में अगर वो अगर फ्रैक्चर को सही से नहीं जोड़ा गया वापस, सही को रीअलाइनमेंट में नहीं लाया गया वापस, तो वो जो लेग है या हैंड है वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा अलग तरीके से वो जुड़ जाएंगे, खुद से हील तो होती है ना बोन्स, आपको पता होगा बोन खुद से ऑसिफिकेशन हो जाएगा बोन्स का, तो वो प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट ना होके किसी और तरीके से अलाइनमेंट हो गई, लाइक जो उसकी नॉर्मल शेप एंड साइज रहती है वो उसके अपोजिट हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सन वर्क नहीं कर पाएगा उससे, तो वो डिसेबल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कास्ट एप्लीकेशन, ठीक है, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या रहता है, तो ठीक है कास्ट एप्लीकेशन अपन समझने के लिए यहाँ पे अपन कर सकते हैं किसके अंदर, नेक्स्ट प्लास्टर कास्ट, कास्ट एप्लीकेशन में कौन सा, प्लास्टर कास्ट किसमें कर सकते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन में, ठीक है। जो फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने की वजह से पेशेंट क्या हो गया, डिसेबल्ड हो गया, लाइक एट द टाइम वो फ्रैक्चर कैसा रहता है, पर्सन कैसा रहता है, डिसेबल्ड रहता है, अपने काम नहीं कर सकता खुद, ठीक है, लाइक अपना जो किसी पर्सन का लेग फ्रैक्चर हो गया तो वो चल कैसे पाएगा, मतलब वो डिसेबल्ड हो गया। अब हमने क्या कर दिया, उसको ठीक करने के लिए, डिसेबिलिटी को लिमिट करने के लिए हमने क्या कर दिया, कास्ट एप्लीका या कास्ट का अप्लाई कर दिया, तो एटलीस्ट वो क्या कर पाएगा, अभी उसको पेन तो कम होगा, ठीक है, पेन कम होगा, बोन का रीअलाइनमेंट हो जाएगा, फिर बाद में वो चल पाएगा, मतलब क्या हो गया, डिसेबिलिटी को लिमिट करके हमने क्या कर दिया, रिहैबिलिटेशन के अंदर हम उसको लेके गए पर्सन को। अब रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, लाइक प्रीवियस में कोई सर्जरी की गई है, अब आप इसी से समझ सकते हो, अगर कोई फ्रैक्चर हुआ और हमने क्या कर दिया, उसका ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, प्लेटिंग वेटिंग कर दी, अब सपोज उसके प्लेटिंग से प्रॉब्लम हो रही है और उसके वापस वो डिसेबिलिटी अराइज हो रही है, चलने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने क्या कर दिया, उसकी वापस सर्जरी कर दी, तो ये क्या हो गया, रिहैबिलिटेशन सर्जरी, मतलब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किसके अंदर आएगी, रिहैबिलिटेशन सर्जरी के अंदर, सॉरी रिहैबिलिटेशन वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ऐसी कुछ सारी चीज़ें अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, ठीक है। तो अपना लेवल ऑफ प्रिवेंशन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है, एक बार आप सभी इनके एग्जाम्पल्स जरूर देख लेना अपने हिसाब से, आपको और कहीं करेक्शन वगैरह आपको लगे तो हमें भी बताना, और आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल से एमसीक्यू पूछते हैं, लाइक दिस एग्जाम्पल, हैंड वॉशिंग किस में करेंगे, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में, तो इस प्रकार के एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना
Which of the following drug is used for the treatment of nocturnal aneurysis? ठीक है, nocturnal का क्या मतलब होता है night time में, aneurysis का मतलब क्या होता है urine output या फिर urine excretion in night time. तो इसके treatment के लिए हम कौन सी drug को follow करेंगे, imipramine को, chlorpromazine को, trazodone को या फिर sertraline को, किसको हम जो काम में लेंगे nocturnal aneurysis के अंदर. तो देखिए aneurysis क्या होता है, aneurysis का मतलब होता है night time यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मोर देन टू टाइम्स ए वीक, एक वीक में दो बार और ठीक है. देखिए दो, एक वीक के अंदर दो बार से ज्यादा. अब ये कितने टाइम तक, फोर थ्री मंथ और मोर देन थ्री मंथ ठीक है, इन मोर देन 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड. ये अगर टर्म्स फॉलो हो रही है तभी हम इसको क्या बोलेंगे एन्यूरेसिस वाली कंडीशन ठीक है. अगर 5 साल का बच्चा है उससे बड़ा है और वहां पे क्या देखने को मिल रहा है 3 मंथ तक या 3 मंथ से ज्यादा कंटिन्यू वीक में एटलीस्ट दो बार या दो बार से ज्यादा क्या कर रहा है नाइट टाइम में यूरिन आउटपुट करता है ठीक है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस वहां पे देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं एन्यूरेसिस. ये देखो डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ ले तो फिर आपको पता होना चाहिए ठीक है. तो देखिए इसकी यहाँ पे जो ट्रीट करने के लिए हम क्या काम में लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इमिप्रामाइन ठीक है, इमिप्रामाइन को हम काम में लेते हैं. तो देखिए क्या कौन सी ड्रग है इमिप्रामाइन, तो यहाँ से कुछ एमसीक्यू होता है तो एक तो एक इसके लिए काम में आ गई एन्यूरेसिस. सबसे पहले तो कौन सी क्लास की ड्रग है, तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है. मैंने जब एंटी डिप्रेसेंट आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ पे इमिप्रामाइन के बारे में बताया था, प्रीवियस क्लास डिप्रेशन वाला टॉपिक एंटी डिप्रेसिव एजेंट्स आप पढ़ लेना अगर कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए तो ठीक है. तो देखिए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिस प्रकार से काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने सब कुछ बता रखा है तो ठीक है. तो देखिए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है तो ये सप्रेस करती है किसको, एन्यूरेसिस वाले बच्चों के अंदर सिम्टम्स को. अब देखिए एग्जामिनर आपसे क्या एमसीक्यू पूछता है, एन्यूरेसिस का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. ये सेम एमसीक्यू एग्जाम में पूछा गया है कि एन्यूरेसिस होता है तो उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा. यहां पे अपन इमिप्रामाइन उसको नहीं देंगे, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन या फिर बिहेवियरल थेरेपीज. तो ये एमसीक्यू बना हुआ है, बहुत अच्छा एमसीक्यू है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा. तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, शेड्यूल्ड वॉइडिंग ठीक है, आप शेड्यूल्ड वॉइडिंग लिख लो ठीक है, नाइट टाइम फ्लूड रेस्ट्रिक्शन कर दो आप उस पेशेंट के अंदर. ठीक है नाइट टाइम में उस बच्चे को जो है वो पानी मत पिलाओ ताकि जो है वो लेट नाइट यूरिन आउटपुट नहीं करे. तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ठीक है. अब अगर यहाँ पे ऑप्शन के अंदर इमिप्रामाइन नहीं है तो हम इसकी जगह क्या दे सकते हैं, डेस्मोप्रेसिन ठीक है. आजकल जो है वो डेस्मोप्रेसिन को ज्यादा यूज में लिया जाता है ठीक है, डायबिटिक इंसिपिडस के लिए भी ये काम में आता है और नेक्चुरल एन्यूरिसिस में भी ये काम में लिया जाता है ठीक है. इमिप्रामाइन के साइड इफेक्ट्स थोड़े ज्यादा होते हैं इसलिए आजकल डेस्मोप्रेसिन को ज्यादा काम में लिया जाता है. तो ये हो गया अपना इमिप्रामाइन वाला, नॉक्चुरल एन्यूरिसिस वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है. तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर्स काफी अच्छा लगा, अगर कुछ डाउट्स वगैरह हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ठीक है. और हमारी टेस्ट सीरीज रन करवा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज हम फॉलो करते हैं अभी किसके लिए, नॉर्सेट के लिए जो आपका एग्जाम आ रहा है जून में. वहाँ पे हमने टोटल 120 टेस्ट हमने क्या करे, एक टेस्ट मॉर्निंग में एक टेस्ट इवनिंग में हम लाइव रखते हैं, बाकी एवरी सैटरडे और संडे हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं,
प्री नॉर्सेट टेस्ट हम यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, एवरी सैटरडे संडे, जिसके अंदर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, 200 MCQs वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी टेस्ट सीरीज अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन भी किया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, और जरूर आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ साथ में बेल आइकन को दबा के जाइएगा ताकि जब आप नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास में पहुंचे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन, जब वीडियो का नोटिफिकेशन आपके वो नहीं मिलेगा, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आप बेल आइकन में ऑल कर देना, ताकि तब आपके पास में क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो बहुत से बच्चे पूछते हैं नोटिफिकेशन का, वीडियो का नोटिफिकेशन का नहीं हमें उन्हें मिलता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।